Hello, my dear friends. Today, in this video, you will learn about ऑटोफिल फीचर इन एक्सेल. इस वीडियो में आज मैं आपको ऑटोफिल फीचर के बारे में बताने जा रही हूँ एक्सेल के. जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑटोफिल फीचर, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया 1, 2, और मैं ये सीक्वेंस कंटिन्यू चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? एक तो ये वे है कि मैं इसको मैन्युअली एंटर करूँ, लेकिन एक और तरीके है कि मैं पहले दो सेल सिलेक्ट करके अपने कर्सर को बॉटम राइट कॉर्नर में लेके आऊंगी. आप देख सकते हैं इसका प्लस का साइन बन गया. अब यहां से मैं इसको स्ट्रेच करूंगी जहां तक मैंने ऑटो फिल करना है. आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 20 वैल्यूज एंटर हो गई हैं मेरे सेल में. सिमिलरली इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इवन नंबर एंटर करूं, जैसे कि 2, 4, 6, तो मैं क्या करूंगी, वैसे ही पहले दो सेल को सिलेक्ट करूंगी, कर्सर को बॉटम राइट कॉर्नर में लेके आऊंगी और इसको नीचे एक्सपेंड करूंगी जहां तक मैं अपनी वैल्यूज एंटर करना चाहती हूँ. इसी तरह अगर ओड नंबर भरना चाहते हैं तो हम एंटर करेंगे 1, 3, 5, तो आप देख सकते हैं मैंने इनको एंटर करा और बॉटम कॉर्नर पे लेके आई राइट कॉर्नर पे, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया. इस तरह से ये सारे के सारे ऑड नंबर आ जाएंगे आपके पास. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी टेबल को एंटर करूँ, सपोज करो मैंने 5 का एंटर करना है टेबल, 5, 10, 15, तो इसकी भी अगर 20 वैल्यूज निकालनी है हमने, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज के बाद मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ. इसी तरह आप 8 का टेबल निकाल सकते हैं. ठीक है जी, दो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ये आपकी 8 वैल्यू है. नंबर्स के अलावा भी हम ऑटोफिल फीचर यूज कर सकते हैं. नंबर्स के अलावा मैं इनको यूज कर सकती हूँ डेज ऑफ वीक में. जैसे कि मैंने एंटर करा संडे, मंडे, ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने 2 वैल्यूज को सिलेक्ट किया और इसको एक्सपेंड कर दिया. ये ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे डेज होते हैं वीक में वो सारे के सारे एंटर कर देगा, राइट? इसी तरह अगर आप मंथ्स के नेम एंटर कर रहे हैं, जैसे कि जनवरी, फेब्रुअरी, तो ये आप देख सकते हैं मैं इनको भी फिल कर सकती. अगर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जैसे कि जैन फेब, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट में ही फिल कर देगा 3 लेटर्स में. इस तरह हम ऑटो फीचर फिल की हेल्प से नंबर की सीरीज एंटर कर सकते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, किसी भी नंबर का टेबल, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर, ठीक है जी. इस तरह हम ये सब कुछ कर सकते हैं. ये सब फीचर इसकी हेल्प से पॉसिबल है, ऑटो फिल फीचर की हेल्प से. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक होता है कॉपी सेल. कॉपी सेल से क्या है, जो मैंने 2 सेल्स लिए थे वही सिर्फ कॉपी हो रहे हैं, जैन फेब जैन फेब. अगर मैंने फिल सीरीज कर दिया तो वो क्या कर रहा है, वो पूरी सीरीज को फिल कर रहा है. इस तरह हम ऑटो फिल फीचर को यूज करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.